हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं मेमोरी टेस्टिंग एंड हार्डवेयर टेस्टिंग किस प्रकार से करते हैं, घर बैठे आप किस प्रकार से कर सकते हैं। मैं ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूं। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ऐसे जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ लेटेस्ट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक मीणा और आप देख रहे हैं DM टेक साइंस। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मेमोरी टेस्टिंग एंड हार्डवेयर टेस्टिंग। तो चलिए हम हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंचते हैं और वहां पर हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। दोस्तों, हम हमारी जो लैपटॉप स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं क्या करने के लिए, मेमोरी टेस्टिंग या फिर हार्डवेयर का चेकअप करने के लिए यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी पूरी ऑल ऑफ इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको प्रैक्टिकली लैपटॉप पर बता दूंगा। तो अंत तक देखते रहें वीडियो को। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो आपके कीवर्ड से आप प्रेस कीजिए, आपको करना है रिफ्रेश और उसके बाद करना है F4, Alt के साथ F4 प्रेस करना है। ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर अप डाउन का जो एरो है, मतलब बटन है, उनको क्लिक करना है, ठीक है ना। यानी कि मैं यहाँ पर करता हूँ, जैसे कि ये सिट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा और साइन आउट का ऑप्शन आ जाएगा और सर्विस यूज़ का ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं वापस नीचे वाला बटन ये करता हूँ और रीस्टार्ट लिखा है तो यहाँ पर हमको करना है ओके, या फिर हम कीवर्ड से कर सकते हैं एंटर प्रेस। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा, मतलब कंप्यूटर हमारा रीस्टार्ट होने लग जाएगा। जैसे रीस्टार्ट होगा तो इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको क्या मेमोरी टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो चलिए कुछ हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया है और यहाँ पर हम ये SC का बटन प्रेस करते हैं और हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर F1, F2, F9 और F10 तक दे रखा है। जैसे कि आप F1 दबाओगे सिस्टम इंफॉर्मेशन, जैसे कि मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है सिस्टम इंफॉर्मेशन का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर देख सकते हैं कि सिस्टम इंफॉर्मेशन किस प्रकार से आप देख सकते हो अपने सिस्टम की ऑल ऑफ इन्फॉर्मेशन, या आप जान सकते हो, ठीक है। तो मैं आज के जो वीडियो में बताऊंगा सिस्टम की, मतलब टेस्टिंग करनी है, जैसे मेमोरी टेस्टिंग या हार्डवेयर की जो क्वालिटी है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम हमारे कीवर्ड से प्रेस करना है F2। जैसे F2 प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है SPPC हार्डवेयर डिनोमिनेशन और UEFI, ठीक है ना। वर्जन लिखा है 1.6.00 और बायोस, ठीक है ना। तो आप और भी इससे ज़्यादा अधिक जानकारी आपको इससे रिलेटेड चाहिए तो यहाँ पर एक वेबसाइट दे रखी है जो मैं अपनी स्क्रीन पर शो कराता हूँ, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्या लिखा है देखे, मेमोरी टेस्टिंग, और सेकंड नंबर पर लिखा है हार्डवेयर ड्राइव चेक करें, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, पहले मेमोरी टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि हम पहले मेमोरी टेस्टिंग कर देते हैं, अप डाउन का जो बटन है उनको आप क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं मेमोरी टेस्टिंग करता हूँ, तो मेमोरी टेस्टिंग पर हम क्लिक करेंगे या हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस प्रकार से अब आपका जो प्रोसेस है स्टार्ट हो गया है मेमोरी क्विक चेक टेस्ट इन द प्रोसेस। जैसे कि आपका जो प्रोसेस है हो रहा है, जैसे कि 1% हुआ, 2% हुआ, अब धीरे धीरे ये प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर लगभग 16 से 20 मिनट का टाइम ले सकता है। दोस्तों, हमारा प्रोसेसिंग हो चुका है। जैसे कि हम मेमोरी टेस्टिंग कर रहे थे तो 90% इसमें जा चुके हैं, 90% इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। तो देखते हैं पास होता है या फेल। 96% प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है और 99 यहाँ पर लिखा हुआ है मेमोरी क्यूब चेक पास है, यानी कि जो आपने मेमोरी चेक की है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास हो चुकी है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज द विजिट। तो आपको ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन या जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। बैक टू मेन्यू,
बैक टू मेन मेन्यू, ठीक है। तो अब बैक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप सीधा एंटर प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर हार्डवेयर टेस्टिंग का भी है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हार्ड ड्राइव चेक, ठीक है ना, हार्डवेयर ड्राइव चेक करनी हो तो यहाँ पर देखो क्विक चेक या फिर एक्सटेंसिव चेक कर सकते हो, आपको कौन सी चाहिए। जैसे कि मैं एक बता देता हूँ, स्टार्ट, जैसे कि ये स्टार्ट हो गया है, अपन को फिलहाल में अब बाहर जाना है। तो चलिए आप ये भी देख लीजिए कि स्टार्ट चेकअप यानी कि हो ही चुका है, तो आप इसको पूरा देख भी लीजिए। तो यहाँ पर 67 का जो प्रोसेस पूरा हो चुका है, जो मैं आपको बता रहा था कि हार्डवेयर ड्राइव की जो चेकिंग करके, ठीक है ना। तो शॉर्ट DST है, टेस्ट इन द प्रोसेस, आपका जो प्रोसेस है पास होता है या फेल, पहला जो प्रोसेस हुआ पास हो चुका है, ठीक है ना। इस्ट टाइम एट द टाइम द रिमेनिंग, ठीक है ना, जितना आपको कितना टाइम लेगा ये आपको बता रहा है। प्रेस द स्पेस को, आप बाहर जाना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने दोनों टेस्टिंग मेरी पास हो चुकी है, तो मैं यहाँ से सीधा इंटर प्रेस करूँगा और बाहर आ जाऊँगा। यहाँ पर आप चाहते हो तो कौन सी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो, इंग्लिश है, फ्रेंकलिन है और बहुत सारी अदर लैंग्वेज भी हैं, तो मैं तो इंग्लिश पर इंटर मारूँगा। और यहाँ पर एग्ज़िट का ऑप्शन है, सीधा मैं एग्ज़िट करूँगा और वापस इंटर, यहाँ पर यस पर क्लिक करूँगा और वापस बाहर, ठीक है। और यहाँ पर मैं वापस इंटर प्रेस करूँगा और सीधा बाहर निकल जाऊँगा।